धन गुरु नानक। जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की। इतिहास। भाव है रास्ता। यदि हमने किसी मित्र प्यारे को मिलना है तो पहले उसका पते की ज़रूरत है और उसके मुताबिक हम रास्ते की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर जाने के लिए किराए की आवश्यकता है। फिर हम उस मित्र को मिल सकेंगे। जितना कोई ज़्यादा मित्र मिलनसार होगा उतना ज़्यादा मित्र उसको मिलना चाहेगा। उनको उसके पते की ज़रूरत पड़ेगी और रास्ता पूछने की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह दृष्टांत है कि बाबा नंद सिंह जी के इतिहास की। भाव, रास्ते और पते की ज़रूरत बहुत लोगों को क्यों है? क्योंकि उनके मित्र संसार में बहुत ज़्यादा है। मित्र ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बाबा नंद सिंह जी ऐसे मित्र हैं जिनको बाणी से साहेब फरमाते हैं, कर मित्राई साध सियो जिना दिस दिया दुर्मति वजे मित्र असाड़े से ही अहो दूड़ी जग सा बाइया जन नानक विरले कोई सज्जन से ही नाल में चल दिया नाल चलिन जिते लेख मंगी तिथे खड़े दिसन रहाओ धारणा विरले जग आउडे ने बख्शीस रूह वाले। ऐसे मित्र है बाबा नंद सिंह जी। इसलिए बाबा नंद सिंह जी के नाम की कोई पुस्तक चाहे किसने भी लिखी हो, प्यार वाले वह जल्दी जल्दी खरीदते हैं क्योंकि अनेकों बाबा नंद सिंह जी से मिलने की बहुत इच्छा है। सो गुरुमुखो, बाबा नंद सिंह जी का इतिहास एक मार्ग है, रास्ता है, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रुपए का किराया नहीं चाहिए। वहाँ ज़रूरत है नाम के धन की। जिसके पास नाम का धन होगा वह काम आएगा, पर यह नाम का धन इकट्ठा कैसे हो? जैसे हम कोई दुकान बनाए या कोई भी काम करें तो वहाँ मूल्य की ज़रूरत होगी। पहले मूल्य होगा, तब उसके साथ लाभ होगा और फिर बढ़ोतरी होगी, तथा नाम के धन की बढ़ोतरी करने के लिए भी मूल्य की ज़रूरत है। वह मूल्य कौन सा है? वह मूल मंत्र, वैसे मंत्र जो सबकी नींव में होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मूल मंत्र का अर्थ हरि के नाम का भी करता है। मूल मंत्र हरि नाम रसायन। रसायन का भाव है जैसे किसी धातु के साथ लोहे से सोना बन जाए। साहेब ने इतना ऊंचा दर्ज मूल मंत्र को दिया है कि इसका जाप करने से लोहे की कीमत वाला मानस सोने की कीमत से भी अधिक कीमती हो जाएगा। वह ऐसे मूल मंत्र और संपूर्ण मूल मंत्र जो है वह नानक होसी भी सच तक है। इतिहास से कुछ जीवन बार जरूर पता लगता है। वैसे तो बाबा नंद सिंह जी का वचन है, जैसे कोई प्रेमी एक बार दीवान में बैठकर कुछ लिख रहा था। बाबा जी ने वचन कर रहे थे, पर वो तो हर तरफ नजर रखते थे क्योंकि अंतर्जामी सब बिद जाने। पीछे मुड़कर देखा तो पूछा, क्या लिख रहे हो? तो उत्तर दिया, बाबा जी मैं जीवन लिख रहा हूँ। बाबा जी कहने लगे, तुम लिख लोगे क्या लिखोगे? लिखले चाहे कोई की फरीद 12 साल कुएं में लिख ले चाहे कोई की फरीद 12 साल कुएं में उल्टा लटका, पर लटक कर क्या किया वह कैसे लिखेंगे?
हम जो कुछ कर रहे हैं तुम लिख लोगे, हम जो कुछ कर रहे हैं तुम लिखेंगे। वह कैसे लिखेगा, साथ ही कहने लगा, ये जो गुरु ग्रंथ साहब जी है यह महापुरुषों का ही जीवन है, इसी पर अमल करके ही महापुरुष बनते हैं। सो गुरुमुखो, यह सत्य है बाबा जी का वचन, इसलिए कोई भी बाबा जी का इतिहास संपूर्ण नहीं लिख सकता, पर फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलता है। कोई मनुष्य चाहे बाबा जी के बिल्कुल नजदीक ही रहा हो, पर यदि उसने मन के समीप नहीं लेकर आया, किसी मजबूरी करके रहा हो, तो वह नजदीक रहकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। उसको बाबा जी के बारे कुछ भी पता नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे हो सकता है। एक साधारण उदाहरण है, जैसे कोई आदमी प्रसाद खा रहा हो और आधा खा चुका हो, तो छकाने वाले ने पूछा कि भाई मिर्च कैसी है, तो कहता है कि आप खाकर बताऊंगा। पहले आधा प्रसाद खा लिया, पता नहीं चला क्योंकि मन में नहीं लाया था। यह बात अपने साथ भी कई बार होती है। इसी प्रकार कई बार कोई बात करता है और सुनने वाला सुनी जाता है और हाँ में हाँ मिलाता है, पता कुछ भी नहीं लगता कि उसने क्या कहा है क्योंकि मन में नहीं लाया था। इसी प्रकार कई बार हम कीर्तन कथा सुनते हैं पर बाद में रागियों से पूछते हैं कि कौन सा शब्द पढ़ा था, कौन सी कथा की थी, कुछ नहीं पता क्योंकि मन नहीं लगाया था। इसी प्रकार कई मनुष्य महापुरुषों के नज़दीक रहकर भी कुछ नहीं सीख सकते, उनको कुछ भी पता नहीं लगता क्योंकि उनका मन से सेवा नहीं की। साहेब कहते हैं, बड़ा चटी जो भरे ना गुन ना अपकार। बाबा नंद सिंह जी के जीवन संबंधित संक्षिप्त अवलोकन। धन्य धन्य बाबा नंद सिंह जी का अवतार। गांव शेरापुर तहसील जगराओं में पिता सरदार जय सिंह तथा माता सदा कौर जी के परिवार में हुआ था 1970 में। बचपन में कई कौतुक हुए, बड़े होने पर राजगिरी तथा लकड़ी का काम भी करते रहे। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। इस इतिहास के साकी में बाबा नंद सिंह जी ने हमें समझाया कि मूल मंत्र की क्षमता क्या है। फिर उन्होंने हमें समझाया कि चाहे हम महापुरुषों के साथ रहे, पर अगर हमारा ध्यान हमारा मन उन पे लगा नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं, हमें कुछ हम उनकी जीवन कथा लिख नहीं पाएंगे। जैसे एक उदाहरण दिया कीर्तन का, कि कीर्तन कर रहे थे और हम सुन रहे थे कीर्तन, और कीर्तन होने में हम जाके उन्हें पूछते, भाई आज कौन सा शब्द लिया था। धन गुरु नानक। तो संगत जी, मेरी छोटी सी बिनती, बाबा नंद सिंह जी का हुक्म, गुरु नानक पातशाह जी का हुक्म, नाम जपो। नाम ही ऐसा मूल्य है जो यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, मतलब मरने के बाद भी काम आएगा। नाम के सिवा कुछ नहीं। कोशिश करो मूल मंत्र करने की, इस पांच माला मूल मंत्र से चालू करो ताकि हम आगे बढ़ सको। पाठ जपजी साहब जी का पाठ चालू करो, अमृत वेले ज्यादा से ज्यादा नाम जपो, नाम जपो, कीर्त करो, वंद जको। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।